इस एडवेंचरस जर्नी पे जाने से पहले मुझे ये पता नहीं था कि माथेरान के जंगलों में भी इतनी बायोडायवर्सिटी है। मुझे नहीं पता था कि हर्पिंग क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि सांपों की भी एक अलग दुनिया होती है। वीडियो चालू कर। आज हम उस दुनिया की चौखट पे जा रहे थे, उन्हें करीब से जानना था। और इस पूरे जर्नी का मकसद एक डेडलीएस्ट पिट वाइपर ढूंढना था। माथेरान एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग अपनी छुट्टियां मनाने एंजॉय करने आते हैं। पर उसी वक्त सांपों की एक पैरेलल दुनिया हमारे सामने चलती है, पर वो दिखाई नहीं देती। ये कुदरत का एक तरीका है जो शांति से पूरी दुनिया का बैलेंस बनाता है, और इनमें सांप एक अहम रोल निभाते हैं। हम चार लोग इस खतरनाक जर्नी पे निकले थे, और उनमें से दो दोस्त सांपों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। इस बार हमारा सामना किसी भी डेडली स्नेक से होने वाला था, और उसके लिए हम प्रिपेयर थे। सो अभी अभी हमको जैसे ही एंटर किया हम माथेरान में, एक हमको एक स्नेक दिखा। धीरे धीरे, क्या है क्या है क्या है क्या है, एग्जैक्टली क्या है? इधर से जा रहा हूँ, सामने से लेंगे। गुड, फास्ट गेला एकदम। पांड्री वाली कौन सा स्नेक था? रैट स्नेक था। रैट स्नेक ने एक किसको पकड़ा था? खारो था, स्क्विरल को पकड़ा था। और मतलब वो अभी हमारे सामने जैसे उसने पूरा निकल लिया, वो यहाँ से अभी चला गया। अभी भी वहाँ पे साइलेंट पे जा सकते हैं आगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल। अलग फंस गया। अच्छा, वो आई थिंक हॉरिजॉन्टल फंस गए क्या? वर्टिकल जाना चाहिए था थोड़ा सा। यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर जीव का इंपॉर्टेंस है। इस लाइफ साइकिल में एक भी गैप पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगी। उस पुअर स्क्विरल की हमारे सामने जान जा रही थी, पर इस सिस्टम में शिकार और शिकारी दोनों अपनी जगह पे थे। सो गाइस, अभी इसका पूरा उसने एक छोटा सा स्क्विरल निकल लिया है, और अभी हम इसको शांति से वो चला जा रहा है अभी, तो इसको बाय बाय करते हैं और हम फिर आगे अपना मेन जो मोटर है उसके लिए निकलते हैं। सो वो जा रहा है अभी आगे, तो लेट्स सी विल, अगर किस्मत में रहा तो हम बेस्ट टू बेस्ट स्नेक्स कैप्चर करेंगे इस बार। माथेरान में मैं बचपन से लेके अभी तक कई बार आया हूँ। उसी जगह आज मैं कई सालों के बाद आया था। जो मैं बचपन में यहाँ आके करता था, जैसे कि घोड़े पे बैठना, टॉय ट्रेन से घूमना, अलग अलग पॉइंट्स पे जाना, वो मुझे कहीं ना कहीं फिर से करना था। पर आज मैं एक लकीर पे खड़ा था जहाँ मेरी बाएं तरफ मेरी बचपन की लाइफ मुझे बुला रही थी, और मेरी दाएं तरफ पिट वाइपर की एडवेंचरस खोज थी। प्लानिंग कितना भी सटीक हो, जो किस्मत हमें दिखाएगी वही हम देख पाएंगे। फिर भी हार्डवर्क और खोज में हम कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ने वाले थे। हमारे पास इस रात के 8 घंटे थे। सुबह होते ही माथेरान की ये टूरिस्ट लाइफ फिर से अंगड़ाइयाँ लेने वाली थी, और फिर इन सांपों की दुनिया
कुदरत की चादर ओढ़ के गायब होने वाली थी। अभी हम जहाँ पे, इससे अभी एक 5 से 10 मिनट के दूर पे भी मार्केट है, लेकिन मार्केट के बराबर बैक साइड में जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें जाना है, और जाने का चांसेस अभी अभी तो कितने 4 बजे अभी 4 बज गए तो 4 से अभी कितना टाइम, मतलब 6:30-7 बजे निकलेंगे। वो एक्चुअली वो नॉक्टर्नल स्नेक है। व्हाट इज नॉक्टर्नल? मतलब निशाचर, जो नाइट को ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉमन क्रेट हो गया, वो नाइट को ज्यादा एक्टिव होता है। सेम कंडीशन में पिट वाइपर भी नाइट को बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और वो शिकार करने के लिए या फिर कोई भी, या फिर मेट या फिर जो भी उसका जो भी टेरिटरी होता है वो नाइट में ज्यादातर उस पर रहता है। वो अगर आप दिन में ढूंढोगे उसको तो दिन में बहुत कम चांसेस होते हैं। डिनर वगैरह करके डायरेक्टली सर्चिंग ऑपरेशन चालू। ठीक है। सॉफ्ट स्केल वाइपर, कॉमन क्रेट और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये चारों के चारों भी मिलते हैं इधर माथेरा। हाँ, सब जगह। तो मतलब रिस्की है। हमारा पहला टारगेट है पिट वाइपर, और उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई तो करें। चलो। एक्साइटमेंट और डर दोनों साथ में थे। रितेश और विशाल अभी पूरी नाइट के लिए उनकी इक्विपमेंट के भरोसे थे, और हम दोनों उनके भरोसे। हम दोनों को 1% भी सांपों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए दिखने वाले सभी सांप हमारे लिए जहरीले थे। माथेरान मार्केट की चकाचौंध, शोर शराबा, लाउड म्यूजिक से दूर हम उसी माथेरान के जंगलों की खामोशी सुनने जा रहे थे। किधर है लेक? ओके, इस साइड। सांप कोई बड़ा जीव नहीं है जो आसानी से दिख जाए। बहुत से स्नेक कैमोफ्लाज होने की काबिलियत रखते हैं। पेड़ पौधों में पत्तों से लिपटा हुआ हरा सांप उसी का अंग लगता है। इधर किधर भी नहीं है ना, दिख रहा तो नहीं। शैलेश कुछ दिख रहा है क्या? क्या बात लैंग्वेजच कळत नाही भाई कोणती। हॅलो, काय ते रिंगटोन ठेवली यार कॉलर टोन? बरं, ते शिव मंदिरापासून कुठं जायचं? खाली जायचं का शिव मंदिराच्या समोरून लेफ्ट ने? मेरी फटरी है। क्या हुआ रोहन? मेरी फटरी है। क्यों रोहन? आगे अंधेरा है। आगे अंधेरा छोड़ो, ये लेग देखो साइड। कौन सा वाइन? वाइन स्नेक ग्रीन कलर का। रेड वाइन नहीं, ग्रीन कलर का वाइन। ग्रीन कलर। ऐसा लग रहा है कि स्नेक दिखे या नहीं दिखे, भूत जरूर दिखे। इतना खतरनाक है ना ये। मैंने अभी टॉर्च मारा, कुछ तो हिला। इतना गंदा दिखा कि ऐसा लगा कि कोई तो भी लेडी व्हाइट साड़ी पहन के ऐसे निकल ना जाए। बस तूने आवाज निकाले? हाँ, मेरे को लगा कि कोई तो, मेरे को अभी एक्चुअली लगा कि किसी ने तो आवाज निकाला। मेरे को लगा कि इधर मेरे को कोई ऐसा मरा हुआ कुछ स्मेल आ रहा है क्या? समथिंग। कहाँ पे मिल गया। कम शब्दों में कहा जाए तो हर्पिंग का मतलब किसी भी रेप्टाइल्स की तलाश में निकलना। और किसी भी तलाश का तोहफा होता है वो चीज उसे मिलना। ये देखना। मेरे सामने मेरे पहले हर्पिंग का तोहफा पेड़ों से लिपटा हुआ मुझे दिखा। ये एक सेमी वेनमस वाइन स्नेक था।
फिर भी पिट वाइपर की खोज जारी थी क्योंकि इस पूरे जर्नी का मकसद वही था। आराम से हाँ हे भाग, ये कौन सा सांप है? ये सांप ही है ना? ये देख, मैं जहाँ जहाँ ये मार रहा हूँ पिट वाइपर है, पिट वाइपर है। आए जब्बा, ढूंढ निकला था वो वाइन ही है। अरे यार बहुत मतलब मोटा है ये, इसका मुंह का, हाँ मुंह दिखा 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 दिखा। अंदर जाते, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना है। लेक साइड हो गया ये, थोड़ा सा अंदर आते हैं। भाई ये रास्ता मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? मेरे को लगा कि ये गेट है और किसी गेट के अंदर हम घुस रहे हैं। विशाल इधर देख रहा है क्या तू? इस साइड नीचे जाके जो हम मस्त एक रास्ता था उसको छोड़ के जंगल के अंदर जा रहे और हमको अभी तक दो वाइन स्नेक दिखे एंड वो नॉन पॉइजनस रहते हैं पर फिर भी इट्स अ ब्यूटीफुल क्रीचर और उसको देखने में भी बहुत मज़ा है। तो अभी हम लेक की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पानी के आसपास और स्नेक मिलेंगे, सो वी आर गोइंग देयर। कौन सा है? वाइन है ना? सो दिस इज द थर्ड वाइन। लेट मी सी यू बेबी। फोर्थ वाइन। अरे यार फिफ्थ वाइन स्नेक। ये देख मेरे को दिखा। ये सिक्स वाइन इधर है। So guys, this is the seventh time we have seen the vine snake and आज जहाँ पे है जिस जगह है दिख रहा है क्या कुछ? कहर मचा रखा है, मतलब हर जगह यहाँ जाओ उधर जाओ सब जगह vine snake, वो snake, ये snake, मजा आ रहा है। और we are expecting, अभी ऐसा हो रहा है ना कि expectation बढ़ रहा है अभी। तब क्या कौन सा Okay. 6 घंटे हो गए थे हमें उसे जंगल में ढूंढते हुए। सुबह के 4 बज चुके थे, हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही घंटे बाकी थे, हम थक चुके थे। कुछ मिला? तभी स्टेशन पे हमें एक आदमी मिला। क्या है? जिसने हमें जंगल के एक रास्ते के बारे में बताया और वो बोला कि अगर सांप देखना है तो उस रास्ते से चले जाओ। बस वो कहकर वो चला गया। हमने भी उसकी बात मानी और हम उस रास्ते पे निकल पड़े। इधर से नहीं देखे, इधर देख ले, कोई सांप तो नहीं है? मैं तो भाई कहाँ पे? एक मिनट बस परफेक्ट। सामने वो डेडली पिट वाइपर था। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पहला हर्पिंग सक्सेसफुल रहा। भारत में सांपों के बारे में बहुत सुपरस्टिशन है, हमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सांपों की पहचान नहीं है, इसलिए हमारे जैसे लोग सांपों को जहरीला समझकर उन्हें मारने की भूल करते हैं। पर रितेश और विशाल जैसे कई लोग इनकी दुनिया के बारे में जानते भी हैं और उन्हें अपना दोस्त भी मानते हैं, तो क्यों ना हम भी एटलीस्ट इन सांपों की दुनिया की चौकट पे जाए और उन्हें समझे, ताकि कुदरत ने बनाई हुई इस इकोसिस्टम को हम बचा पाएं।